तो आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पावर ऑफ द लेंस। अब देखिए पावर ऑफ द लेंस ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको समझते हैं, क्योंकि पावर जो है ये किसी भी लेंस के साथ ऑटोमेटिकली एसोसिएटेड होता है। उसका कारण है कि जितने भी लोगों का आंख खराब होता है आप उससे एक ही सवाल पूछते हैं, बाबू पावर क्या है आपके आंख का। पावर मतलब भगवान ने जो लेंस आपको दिया था कहीं ना कहीं उसके साथ आपने इतनी छेड़छाड़ कर दी है कि अब आपको एक बाहर से दूसरा लेंस लगाना पड़ रहा है ताकि आप सही तरीके से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो पावर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ के लिए भी, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है समझना भाई कौन आदमी को कैसा लेंस लगता है और किस आदमी पर कौन सा पावर लगता है जिसके वजह से उसको कोई चीज देखने में मदद मिलती है। तो सबसे पहले पावर का डेफिनेशन लिखिए, राइट। पावर ऑफ अ लेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस। तो पावर क्या है, पावर ऑफ द लेंस इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस, एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट, द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट, लाइट फॉलिंग ऑन इट। इस डेफिनेशन को ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन मैं तब कर पाऊंगा जब मैं आपको एक्चुअली आंख के पावर के बारे में समझाऊंगा कि कैसे ये किसी लाइट रे को कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है, ये उसका ताकत है कितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा या कितना ज्यादा डाइवर्ज करेगा। अब इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, तो ये तो इसका कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन हो गया। नाउ राइट इट्स मैथमेटिकल डेफिनेशन। पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। तो पावर का डेफिनेशन है P इज इक्वल टू 1/F और ये किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखते हैं तो सेम ये बन जाता है 100/F इन सेंटीमीटर और ये आपका क्या बनेगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला बन जाता है फॉर पावर। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर पावर। पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, दिस इज डिनोटेड बाय पी। तो ये किससे डिनोट होता है, पी से डिनोट किया जाता है पावर। यूनिट ऑफ पावर क्या है, यूनिट ऑफ पावर इट इज डायप्टर, इस डायप्टर। और इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। पॉइंट नंबर टू फॉर कन्वेक्स लेंस द पावर इज पॉजिटिव। व्हाई, उसका लॉजिक बहुत सरल है, क्योंकि पावर इज इक्वल टू होता है 1/ फोकल लेंथ और कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देयरफॉर पावर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पावर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। देन मूविंग टू थर्ड पॉइंट क्या है फॉर
कनकेव लेंस द पावर इज नेगेटिव, एक ऐसा होता है नेगेटिव होता है। लॉजिक अगेन सेम, पावर इज इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ। कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, देयरफॉर पावर भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो पावर भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, पावर भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इस हिसाब से ये तीन बातें पावर से रिलेटेड आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि यूनिट ऑफ पावर क्या है, डायप्टर है, डन। देन एक छोटा सा हेडिंग डालिए, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, पावर ऑफ